सैटेलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार में दो सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें मोकामा सीट राजद को मिली, जबकि गोपालगंज सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। मोकामा की एक तरफा जीत तेजस्वी यादव के लिए खुश करने वाली खबर है, इसके बावजूद तेजस्वी इस बार चुनाव जिताऊ नहीं बन पाए। जिस मोकामा सीट पर अभी उपचुनाव हुआ है वहां पहले से भी राजद के ही विधायक थे और इस बार भी राजद के उम्मीदवार को ही जीत मिली है, लेकिन इस जीत में तेजस्वी यादव का खास रोल नहीं रहा है। ये चर्चा आम है क्योंकि मोकामा सीट पर पिछले 17 साल से जीत अनंत सिंह की ही हुई है, चाहे वो किसी भी दल से रहे। 2015 में तो अनंत सिंह निर्दलीय थे, जेडीयू राजद भाजपा लोजपा सब अनंत सिंह के खिलाफ थे, लेकिन जीत उन्हीं की हुई थी। ऐसे में इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी की जीत अप्रत्याशित नहीं है, साथ ही तेजस्वी की मेहनत का भी इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव मोकामा की जीत से खुद को हीरो साबित नहीं कर सकते। इस बार उपचुनाव में जो सीट जिसके पास मुख्य चुनाव में थी वो बरकरार रह गई। भाजपा ने गोपालगंज सीट पर कब्जा बरकरार रखा, ये तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा झटका है। तेजस्वी के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद ये चुनाव हुआ है, पार्टी पर भी तेजस्वी यादव को फुल कंट्रोल मिल गया है। ऐसे में गोपालगंज की हार ने तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। गोपालगंज तेजस्वी का गृह जिला है, लेकिन वहाँ 17 साल से भाजपा का कब्जा है। सत्ता मिलने के बाद भी तेजस्वी गोपालगंज सीट पर अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सकते। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइट लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लें।